मैं कृति कुसुम एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन हिस्ट्री की क्लास। तो जैसा कि हमने कल तक पढ़ा, कल के जो वीडियो में था हमने राजपूत वंश खत्म कर लिया, कश्मीर के वंश खत्म कर लिए, कश्मीर के जो भी राजवंश थे, हिंदू शाही वंश जो थे आपके पाकिस्तान वर्तमान में जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है वहाँ का हिंदू शाही वंश भी हमने खत्म कर लिया। और हमने क्या देखा था, उससे पहले हमने दक्षिण भारत के जो राजवंश है उनको भी हमने खत्म कर लिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और इसी के साथ जब हमने राजपूत और उसके बाद कश्मीर भी देखा था, कश्मीर के राजवंशों के बारे में पढ़ा, इसके साथ हमारा जो प्राचीन भारत वाला जो सेक्शन है वो क्या होता है, खत्म होता है। आज से हम अपनी कक्षाओं में मध्य भारत जो है, मध्य भारत का जो इतिहास है उसको शुरू करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज की क्लास में हम एक परिचय देखेंगे। क्या परिचय, कि हमको अपने मध्यकालीन भारत में पढ़ना क्या है, क्योंकि एक अच्छे स्टूडेंट के लिए ये बहुत आवश्यक होता है कि हम ये जानिए कि हमारा हमको किस दिशा में पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि जब हम युद्ध की बात करें तो अगर हम अपने दुश्मन को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो हम उससे अच्छे से लड़ नहीं पाएंगे, है ना भाई। तो उसी तरीके से पढ़ाई भी है, हमको क्या चैप्टर्स हैं, वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिससे हमको होके गुजरना है। अगर उसको नहीं देखते हैं, अगर उसको नहीं समझते हैं, तो हम नहीं कर पाएंगे। तो आज का जो वीडियो है, ये वाला जो वीडियो है, ये टोटली डेडिकेट है मध्यकालीन परिचय को, ठीक है। हम इसमें देखेंगे कि मध्यकाल का, मध्यकाल जो है उसका योगदान क्या है, भारत का जो इतिहास की बात करते हैं या भारत की कला संस्कृति की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो मध्यकालीन भारत है उसका क्या योगदान रहा भारत के वर्तमान विकास के संदर्भ में, पहली चीज। दूसरी चीज हम देखेंगे कि इस समय पर स्थापत्य कला बहुत ज्यादा विकसित हुई है, तो उस समय में वो कौन कौन सी प्रमुख स्थापत्य कला है, तो कला और संस्कृति है जिसका विकास हुआ, जिसने भारत की वर्तमान स्थिति में हमको एक अच्छे स्थान पर रखा है। तीसरी चीज हम देखेंगे कि इस समय के जो राजवंश थे, चाहे हम मुगलों की बात कर ले, चाहे दिल्ली सल्तनत में दास वंश, खिलजी वंश की बात कर ले, चाहे हम विजयनगर या बहुमनी साम्राज्य की बात कर ले, ठीक है, चाहे हम किसी की भी मराठाओं की बात कर ले, सिखों की बात कर ले, या जो अलग से प्रांतीय शासक हुए उनकी बात कर ले, इन सब की जो नीतियां थी, ठीक है, इन सब की जो नीतियां थी वो किस तरीके से, जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत का जो लास्ट वाला समय था, है ना भाई, जो हमने राजपूत काल पढ़ा था उस समय का जो समय था, तो जो प्राचीन भारत है उसके लास्ट पीरियड को, और जो हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे अंग्रेजों के आगमन से, तो जो मॉडर्न इंडिया वाला पार्ट है उसको कैसे कनेक्ट करता है, ये जितने भी वंशों का बारे में मैंने बात की, ये सारे राजवंश ऐसी कौन कौन सी चीज करते हैं जिसकी वजह से अंग्रेज जो है वो क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं, वो कहाँ कहाँ पर उनको जगह मिलता है, जिसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि जो अंग्रेज है उनको मौका मिल रहा है। जैसे यहाँ पर आप उत्तरवर्ती मुगल के बारे में पढ़ेंगे तो हम एक फर्रुखशिया के बारे में पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं जो फर्रुखशिया था उसी ने अंग्रेजों को व्यापारिक व्यापार वो दिया था, व्यापारिक उनको अधिकार दिए थे, है ना भाई, जिसको कंपनी का मैग्ना कार्टा बोलते हैं, वो दिया था फर्रुखशिया ने। तो ये सारी चीजें जो थी, ये मॉडर्न इंडिया का पार्ट है, मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं क्या कर रही थी, अंग्रेजों को ये जगह बना के दे रही थी कि आइए आप हमारे देश में क्या करो, राज करो या व्यापार को बढ़ाओ। और इन्हीं छोटी 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 चीजों को ले लेके अंग्रेज क्या करते हैं, बाद में अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं। ये तो रहा मॉडर्न इंडिया का बात। अब अगर हम प्राचीन भारत की बात करें, प्राचीन भारत के जो अंतिम दौर था जिसमें हमने परमार शासकों को पढ़ा था, चालुक्य शासकों को पढ़ा था, पाल शासकों को, राजवंशों को पढ़ा था, ठीक है, चंद्रेलों को पढ़ा था, तो इस समय पर जितने हमने शासकों को पढ़ा, तो हम देखेंगे इससे पहले तक तो जो भी था वो कैसे शासक थे, भारत के राजवंश थे, और भारत से जब बाहर के भी थे तो अलग वाला क्षेत्र है, ठीक है, आपका क्या बोलना चाहिए, चीन वाला जो क्षेत्र, यहाँ जो समीप समीप के लोग हैं जो कभी ना कभी कैसे ना कैसे भारत का पार्ट हुआ करते थे, उस क्षेत्र के लोग ही आके मुख्य भूमि पर, भारत की जो मुख्य भूमि थी उस पर आक्रमण कर रहे थे। लेकिन हम मध्य भारत से देखेंगे कि क्या हुआ, मुस्लिमों का आक्रमण, जो अरब देश थे, ठीक है, हम देखेंगे अरब, तुर्की, इन सब का आक्रमण भारत में कैसे हो रहा है, तो ये कैसे
आक्रमण है ना, आपका मोहम्मद बिन कासिम जो है उसने 712 ईस्वी में क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था, उसने प्रथम विजय प्राप्त की थी। लेकिन इससे पहले भी और भी लोग हैं ना, 711 के आसपास पे दो बार भारत पर और आक्रमण हुआ है विदेशियों का, अरब्स के भी जो लोग हैं उनका आक्रमण हुआ, लेकिन वो लोग क्या किए, सक्सेस नहीं हो पाए, है ना, भारत पर विजय प्राप्त नहीं कर सके, उन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार नहीं किया। लेकिन जब मोहम्मद बिन कासिम आता है, वो 712 में पहली बार क्या करता है, भारत पर आक्रमण करता है, पहली बार भारत पर विजय प्राप्त करता है। और इस समय पर जो राजवंश थे है ना, उनका संघर्ष किसके साथ होता है, हमने भीम प्रथम के बारे में पढ़ा था, है ना, भीम प्रथम के बारे में पढ़ा था कि जो मोहम्मद गजनवी आया भीम प्रथम के समय पर, तो वो एक अलग राजवंश था। तो प्रारंभिक रूप से आप देखोगे तो वह आपको मिक्स चीजें दिखेंगे, आप ऐसा नहीं बोल सकते ना, इतिहास का ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं, जहां से एग्जैक्ट मतलब कि जहां से मुगलों का प्रारंभ हुआ, सॉरी मुस्लिमों का आक्रमण हुआ, वहीं से मध्यकाल शुरू हुआ, क्योंकि मुस्लिमों का आक्रमण और जो भारत के जो राजपूत वंश थे वो लोग साथ में कहीं ना कहीं साथ में आए थे ना, उनका आक्रमण हुआ, इन लोगों ने उसका विरोध किया, कई बार युद्ध हुए, कई बार उन लोगों को हारे, तो दोनों मिलते मिलते चलता है। फिर जिसका जिसका प्रभाव बाद में जब मुगल सत्ता का सॉरी मुस्लिम सत्ता का प्रभाव बढ़ते गया तो क्या हम देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में भारत पर अब मुस्लिम शासकों का शासन है, बनिस्बत हिंदू राजाओं से, बनिस्बत जैन राजाओं से, बनिस्बत राजपूत शासकों से। तो इन चीजों को हम देखते चलते हैं। तो हम इस मध्यकाल को अगर हम पढ़ें, मध्यकालीन भारत को पढ़ें, तो हम इसको देखते हैं एक्चुअल में ये क्या करता है, ये जो है वो प्राचीन भारत और आधुनिक भारत को जोड़ने का काम करता है। कौन? मध्यकालीन भारत, ठीक है, समझिए आप लोग, मध्यकालीन भारत क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें हम और क्या क्या चीज देखेंगे। आप लोगों को याद होगा जब हमने अपना प्राचीन भारत शुरू किया था, है ना, जब हमने प्राचीन भारत शुरू किया था क्लास में, तो मैंने आप लोगों को एक पूरा टाइम सीरीज बताया था, उसमें ड्रॉप बना के टाइम सीरीज बताया था कि वो जो टाइम सीरीज है वो कैसे कैसे चीजें बढ़ी, हम कहाँ से शुरू किए थे, पाषाण काल से शुरू किए थे, पुरातात्विक काल से, वहां से कैसे बढ़ के वो आगे बढ़ता है, हमने उसको देखा। इस तरह का मैंने आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा समझाया था। वो जो है जो मैंने आपको बना के था, ब्लॉक्स को बना के दिया था, मैं आप लोगों को ग्रुप में मैसेज कर दूंगी उसको, ठीक है, ताकि आप लोग एक रफ आइडिया आप लोगों को लग जाए कि कब से कब तक का काल है, ताकि आज की क्लास में हम कुछ प्रमुख बिंदुओं को चर्चा करेंगे जिसके बारे में हमको पढ़ना है। किसमें पढ़ना है? अपने मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ना है। तो अगर हम मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो सबसे पहले हम आते हैं प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमणों में, ठीक है, प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमणों में कौन कौन से राजा आते हैं, तो मतलब कौन कौन से वंश आते हैं, तो हम देखते हैं जो अरब देश है ना, अरब के जो राजा है वो लोग क्या करते हैं, शासन करते हैं। फिर हम देखते हैं तुर्कियों को देखते हैं, ठीक, तुर्कियों में क्या देखते हैं कि जो तुर्क शासक है उन लोगों का आक्रमण होता है ना, जो अरबी अरब लोगों की बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले आता है, तुर्कियों की बात अगर तुर्क शासकों की बात करें तो आपका महमूद गजनवी है, गोरी है, ये लोग क्या है, तुर्की शासक है, वो लोग आते हैं। फिर इनका शासन जब समाप्त होता है तो उनके दास ना दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, जब ये तुर्क समाप्त होता है तो दिल्ली सल्तनत आता है। तो दिल्ली सल्तनत में हम देखते हैं कि कौन कौन से वंश है, दास वंश है, दास वंश आपका जो ऐबक है उसने दास वंश की स्थापना की। फिर खिलजी वंश को देखते हैं, खिलजी हमने पढ़ा नहीं है ना, मुगल है खिलजी में। फिर तुगलक वंश को देखते हैं, सैयद वंश को देखते हैं, लोधी वंश को देखते हैं। तो इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत क्या होता है, समाप्त होता है। फिर जब दिल्ली सल्तनत समाप्त होता है तो कुछ प्रांतीय भी क्या होने लगा कि जो
साम्राज्य स्थापित करता है। अलग अलग वंशों दास, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, अलग अलग वंशों द्वारा ये दिल्ली सल्तनत जो है वो क्या करता है, अपने साम्राज्य को स्थापित करता है। लेकिन बाद में समय के साथ में जब और दूसरे राजा आने लगते हैं और दिल्ली सल्तनत के जो शासक है वो कमजोर पड़ने लगते हैं, तो फिर क्या होता है, जो अन्य राजा हैं जो कभी दिल्ली सल्तनत की बात को मानते थे या दिल्ली सल्तनत के अधीन हुआ करते थे, वो लोग क्या कर लेते हैं, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं और स्वतंत्र शासकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जिसमें प्रमुख हम देखेंगे कौन कौन से स्वतंत्र प्रांतीय शासक है। तो हम बहुमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। बहुमनी साम्राज्य ने सबसे पहले खुद को क्या कर लिया था, दिल्ली सल्तनत के शासन से सबसे पहले बहुमनी साम्राज्य ने खुद को अलग कर लिया था, ठीक है। और जब इसने अलग किया तब उस समय जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे उन्होंने कोई भी क्या किया, एक्शन नहीं लिया। फिर आप देखते हैं विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इसमें कुछ प्रमुख शासकों को देखते हो। हम इसमें पढ़ेंगे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, ठीक है, संगम वंश में हरिहर और बुक्का, ठीक है, इनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, संगम वंश में पढ़ेंगे। फिर जब हरिहर और बुक्का संगम वंश समाप्त होता है तब फिर हम सुलु वंश में आएंगे, तुलु वंश में आएंगे और बिंदु वंश में आएंगे। तो ये जो चार प्रमुख वंश है वो विजयनगर साम्राज्य की क्या करते हैं, स्थापना एक के बाद ना, जब संगम समाप्त होता है तो सुलु आ जाता है, जब सुलु समाप्त होता है तो तुलु आ जाता है, जब तुलु समाप्त होता है तो अरबिंदु आ जाता है। तो इस तरीके से एक के बाद एक विजयनगर साम्राज्य पर ये चारों ही साम्राज्य क्या करते हैं, चारों ही वंश राज करते हैं। अब ठीक, इसके बाद हम देखते हैं सूफी आंदोलन, ठीक, यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम मुस्लिमों का प्रारंभिक आक्रमण करेंगे, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा मुस्लिम जो धर्म है उसको देखेंगे कि उसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई, प्रारंभिक वो कौन से क्षेत्र थे जहाँ पर मुस्लिम धर्म को प्रचार किया गया, उसको बढ़ाया गया, किस तरीके से वो भारत आया, तो उसको जो हम पहले सबसे पहले उसी को देखेंगे, फिर हम अरब आक्रमण को शुरू करेंगे। हम उसको इसलिए देखेंगे, यहाँ पर हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन हम उसको इसलिए देखेंगे क्योंकि वो क्या करेगा, आपके लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करेगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो हिस्ट्री है ना उसमें स्टोरी है, आप हिस्ट्री की स्पेलिंग लिखो तो उसमें स्टोरी की स्पेलिंग मिलती है आपको। तो हिस्ट्री जो है वो क्या है, हिस्टोरी, स्टोरी है ना भाई, तो हमको उसमें कहानियां मिलेंगी। तो अगर हम कहानियों का बैकग्राउंड नहीं समझेंगे, अगर मैं आप लोगों को कहानी बताऊं, जैसे कि सबसे फेमस कहानी कौन सी थी, वो कछुए और खरगोश की कहानी है, ठीक है, अगर मैं उसकी भूमिका निभाऊं, आपको ये बोलूं खरगोश और कछुआ थे रेस किए, खरगोश और कछुआ थे दोनों रेस किए, कछुआ जो है वो जीत गया, खरगोश हार गया, इससे आपको क्या समझ में आएगा, कुछ समझ में आएगा क्या, नहीं समझ में आएगा। तो ये होते हैं फैक्ट, अल्टीमेटली जो खरगोश और कछुए की कहानी है उसमें यही चीजें हैं। तो ये होते हैं फैक्ट, लेकिन आप फैक्ट्स को तब तक नहीं समझ सकते, तब तक आप उसको नहीं जान सकते जब तक आप उसकी पृष्ठभूमि को नहीं जाने। जैसे हम कछुए और खरगोश की कहानी की पृष्ठभूमि क्या है, कि खरगोश जो है इस बात का घमंड करता है कि मैं तो बहुत तेज दौड़ सकता हूँ, कछुआ जो है वो विनम्र रहता है। एक दिन कछुआ खरगोश बोलता है कि चलो रेस करके देखते हैं, रेस करते हैं कछुआ खरगोश थोड़ा आगे बढ़ता है, पलट के देखता है कछुआ पीछे है ना, रेस की पृष्ठभूमि है ना, कि देखता है पीछे है, बोलता है कि अच्छा ठीक, थोड़ा और आगे बढ़ता है कछुआ तो और पीछे, चलो मैं सो जाता हूँ, सो गया तो ऐसा मीनिंग में खोया कि कछुआ जो है उससे आगे बढ़ जाता है। और इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है भाई, आपको ये शिक्षा मिलती है कि आलस्य नहीं करना चाहिए, लोगों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, और एक कमजोर व्यक्ति भी अगर मेहनत करे तो क्या कर सकता है, अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। बात सिर्फ मेहनत करने की है, निरंतर प्रयास करने की है। तो इस चीज को हम देखते हुए है ना, ये हमको क्या मिलता है, पृष्ठभूमि मिलता है, शिक्षा मिलता है। लेकिन जो हमने फैक्ट बात की, कछुआ और खरगोश दोनों रेस करना शुरू किए, खरगोश जो था वो हार गया, कछुआ जीत गया, कुछ समझ में आया क्या, नहीं आया। तो उसी प्रकार से मुस्लिम आक्रमण को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, मुस्लिम जो धर्म है उसके उदय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मुस्लिम धर्म के उदय के बारे में पढ़ेंगे, उसकी चीजों को जानेंगे, समझेंगे, ताकि हम उसको देख सके कि किस तरीके से वो उसका पृष्ठभूमि तैयार
ठीक है, और वो चीज आगे बढ़कर इसमें जाती है यूरोपियन कंट्रीज में जाती है, तो फिर बात करें अगर हम इसको पूरा मतलब अगर अच्छे से आप इतिहास देखते हो तो आपको पता चलता है कि भारत में जो प्रारंभिक रूप से हमला हुआ या भारत में जो हुआ वो अरबों ने किया, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज जो थी, सॉरी कंट्री नहीं बोलना चाहिए, जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उन लोगों ने किया, अरबों ने किया, तुर्कियों ने किया, और वहां से भारत का ज्ञान जो है वो अरब तक पहुंचता है और अरब से यूरोप पहुंचता है, और यूरोप तक जाके यूरोप लोग कहां पर कब उस 1600-1500 के अंत में 1600 के आसपास लोग बोलते कि अच्छा भारत में क्या है, अच्छा धन है, चलो मैं उसकी खोज करता हूँ। तो किस तरीके से इतिहास देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है, मध्यकालीन भारत के प्रारंभिक दौर से भारत की जो प्रतिष्ठा है वो प्रारंभ होगी, और कहाँ पर जाएगी, आधुनिक भारत के प्रारंभिक दौर में जाएगी। अंग्रेजों को लालच देगी कि आओ आओ भारत पर, आओ भारत का यहाँ से व्यापार करो, तो सारी कहानियां आपकी क्या करती, पृष्ठभूमि तैयार करती, तो वहां पर हम उसको देखेंगे। चलिए फिर हम आते हैं सूफी आंदोलन। तो जो सूफी आंदोलन है इसमें हम चिश्ती है ना, चिश्ती संप्रदाय के बारे में देखेंगे, निजामुद्दीन औलिया के बारे में देखेंगे, इन लोगों ने धर्म का प्रचार किया। फिर हम आएंगे भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो हम इसमें शैव मत के बारे में पढ़ेंगे, वैश्य मत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, रामानुज के बारे में पढ़ेंगे, ये नाम है रामानुज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, रामानुज के बारे में पढ़ेंगे, और किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, हम कबीर के बारे में पढ़ेंगे, फिर आप दोस्तों हम और क्या देखेंगे कि राम मार्गी के बारे में पढ़ेंगे और कृष्ण मार्गी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, राम मार्गी प्रमुख कवि कौन है, कृष्ण मार्गी कवि कौन है, इन सब चीजों को हम देखेंगे। फिर आपको मिलेंगे निरंकार ईश्वर को मानने वाले भी एक सेक्शन मिलेगा, तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, भक्ति आंदोलन में पढ़ेंगे। भक्ति आंदोलन के बाद हम आएंगे इसमें मुगल काल में, समझ आएंगे बात, इसमें आएंगे मुगल काल में, और मुगल काल में आने के बाद हम देखते हैं कि मुगल सत्ता की स्थापना भारत में किसने की थी, बाबर ने की थी, बाबर आता है, युद्ध लड़ता है, यहाँ पर शासन करने लगता है, फिर हुमायूं, उसके बाद उसका बेटा कौन आता है, हुमायूं आता है, हुमायूं उतना कारगर मतलब वो कारगर तो रहता है लेकिन उतना ज्यादा उसका अच्छे से वो काम नहीं कर रहे अपने, जैसे कि बाबर था, अकबर था, ये लोग एक ताकतवर शासक के रूप में उभरे लेकिन हुमायूं नहीं उभरा। फिर इसके बाद में अकबर आता है, लेकिन अकबर से पहले हम थोड़ा सा शेरशाह सूरी को देखेंगे क्योंकि उनका युद्ध होता है ना, ये अलग है, ये मुगल संप्रदाय का हिस्सा नहीं है, ये मुगल शासक नहीं है, लेकिन शेरशाह सूरी एक अलग ही सेक्शन है इतिहास का, जो जिसका युद्ध हुमायूं से, अकबर से, इनसे होता है, तो बीच में हम एक छोटा सा गैप निकाल के क्या देखेंगे, शेरशाह सूरी को देख लेंगे। फिर हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, अकबर ने दीने इलाही धर्म या संप्रदाय को स्थापित किया था उसको पढ़ेंगे, इसके शासन काल को देखेंगे, जो प्रमुख रचनाएं भी हैं, फिर जहांगीर को देखेंगे, शाहजहां को देखेंगे, इन दोनों के ही टाइम पर जितनी भी स्थापत्य कला, ठीक है, जो मूर्ति कला है, चित्रकला है, आपका भवन निर्माण है, मुख्य रूप से इन दोनों के शासन काल में हुआ है। फिर औरंगजेब को देखेंगे, औरंगजेब की कहानी कितनी, तो हम औरंगजेब के विषय में देखते हैं क्या चीज कि जो औरंगजेब था वो बड़ा कड़क राजा था, मतलब एक क्रूर वर्ड यूज कर सकते हैं। देखिए जो अकबर था पहले प्रारंभ में तो वो कट्टर था, लेकिन आगे चलकर वो क्या करता है, एक सहिष्णु राजा बनता है ना, वो सभी धर्म को मानने वाला बनता है, ठीक है, जजिया कर हटा देता है। लेकिन औरंगजेब जो है, जब औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं तो वो क्या करता है, औरंगजेब जो है वो उन्हीं नीतियों को, जजिया कर को और जितनी भी पुरानी चीजें थी उनको तलवार के नोक पर क्या करता है, शासन करता है। अगर औरंगजेब के लिए कहा जाता है कि उसने तलवार की नोक पर शासन किया, मतलब क्या था, क्या क्या कहना चाहता है, ये मेन स्पीच टाइप का क्वेश्चन आ सकता है ना कि औरंगजेब बोलते हैं आपका तलवार की नोक पर शासन किया, उससे क्या तात्पर्य है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जो औरंगजेब था वो कैसा था, क्रूर शासक था, अगर कोई उसकी बात नहीं मानता था तो वो क्या करता, उनको हत्या करवा दिया करता था, ठीक है, तो उसको बड़ी क्रूरता के साथ तलवार की नोक मतलब मार काट और हत्या करके, तो उस तरीके से वो अपना शासन को चलाता है, इस तरीके से हम देखेंगे। फिर हम मुगल कला को देखेंगे, फिर मुगल प्रशासन को देखेंगे, फिर हम आ जाएंगे उत्तर
शाह फरूख शियर, अकबर बीबी के और जो भी शासक होते हैं, इसमें लंबा चौड़ा लिस्ट है ना, उसको देखेंगे। फिर हमारे में मराठों में, ठीक है, मराठा में जो है वो भी क्या है, आपके मध्यकालीन भारत का प्रमुख विषय है। सॉरी, तो मराठों को जब हम देखेंगे तो मराठों में हम देखते हैं आपके शिवाजी को देखते हैं, है ना, उन्होंने किस तरीके से अपने पहले के जो शासक थे उनको देखा। फिर शिवाजी के टाइम पर अंग्रेज वाला सेक्शन भी आता है। तो आप अब यहाँ पर से आप देखिए, मतलब फरुख शियर का जो दौर चलता है यहाँ पर अंग्रेज लोग पीस बोल के आते हैं, लेकिन जब मराठों का शासन आता है यहाँ पर आते तक हम देखते हैं कि अंग्रेज इतने ताकतवर हो गए रहते हैं कि वो लोग अब अपना सत्ता चलाने रहते, बोलते ये शासन हमारा है, ये शासन हमारा है। तो इस तरीके से हम मराठों के शासन काल को देखेंगे कि शिवाजी ने कैसे कैसे काम किया, किस तरीके से उन्होंने चीजों को की, सिख धर्म सिख संप्रदाय को देखेंगे, इनके प्रमुख जो गुरु है उनको देखेंगे, प्रमुख राजा कौन हुए उनको देखेंगे, ठीक है। फिर हम आएंगे परवर्ती मुगलों के बारे में, परवर्ती मुगलों के बारे में। तो इस तरीके से ये प्रमुख जो चैप्टर है, और इसके बाद जो परवर्ती मुगल है उसके बाद हमारा यूरोपियों के आगमन से हमारी क्लास जो है वो शुरू होगी, ठीक है। इसमें जो पढ़ने वाला सेक्शन है, अगर मैं बात करूं तो इसमें जो पढ़ने वाला सेक्शन है वो सारा का सारा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी हमको अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा किस किस पर, इसके एक दो बिंदु इम्पोर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत में भी कुछ कुछ चीजें, इसका जो निर्माण हुआ, जिसकी कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया, ठीक है, तो किसने प्रारंभ करवाया, किसने खत्म करवाया। गयासुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, तो उन सब चीजों को। फिर संगम पंच में, संगम पंच इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और एक क्या बोलना चाहिए, एक मजबूत शासन की स्थापना की, है ना। हरिहर और बुक्का, पीएससी ने दो बार क्वेश्चन पूछा हरिहर और बुक्का संगम पंच से, बहुमणी साम्राज्य। फिर आपका ये वाला जो सेक्शन आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चिश्ती की, और ये भी इसमें जो रचनाएं हुई है ना प्रमुख, इन सब लोगों की जो प्रमुख रचनाएं हैं, प्लस कहां कहां पर विचारधारा, रचनाएं और विचारधारा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी। फिर जब मुगल काल में आते हैं तो बाबर हुमायूं अकबर तक क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, बाबर और हुमायूं तक के युद्ध इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, बाबर और हुमायूं और अकबर तक भी बोलना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, युद्ध। इसमें आपको युद्ध पर फोकस करना है, ये वाला जो सेक्शन होगा उसमें आपको युद्ध पर फोकस करना है। लेकिन अकबर ने दीन इलाही का भी क्या किया था, दीन इलाही का प्रचार प्रसार करवाया था, तो दीन इलाही और उसके लिए वो तो अनपढ़ था, तो उसके कारण में लिखे गए और जो ग्रंथ है, ठीक है, तो अकबर से लेके शाहजहां तक आपको क्या पढ़ना है, साहित्य और कला। पढ़ना मतलब पढ़ना तो सब चीज है, लेकिन फोकस किस पे करना है, आप देखोगे कि यही दोनों जगह से आपको मूर्ति कला के बारे में पूछे, सॉरी चित्रकला के बारे में पूछेगा, ठीक है। जहांगीर की जंजीर बड़ी फेमस एक हुआ करती थी, ऐसा कहते हैं कि वो एक जंजीर लगा के रखता था, न्यायप्रिय शासक था, है ना, और वो जंजीर लगा के रखता था कि अगर रात को 12 बजे मतलब किसी भी टाइम, चाहे वो दिन हो या रात हो, किसी को भी न्याय चाहिए तो आके अगर उस जंजीर को भी लगता था तो वो उठ के आ जाता था, और रात को 12 बजे 2 बजे 3 बजे एक्स वाई जेड जितने समय भी वो क्या करता था, न्याय करता था। तो जहांगीर की जंजीर, उसके जंजीर बहुत फेमस चलता है। फिर आप इसके बारे में और देखेंगे जो कला है ना, कला का विकास हुआ, बहुत सारी किताबें लिखी गई, चित्रकला बहुत प्रमुख, कुछ बहुत प्रमुख चित्रकलाओं का निर्माण हुआ है। आप और देखोगे कि क्या बोलते हैं, कुछ भारत के प्रमुख इमारतों का निर्माण किया गया था, है ना, भारत के प्रमुख इमारतों का निर्माण किया हुआ है। फिर हम औरंगजेब के बारे में देखें तो औरंगजेब का युद्ध और शासन मतलब वापस से, है ना, औरंगजेब को क्या लगता है कि इसके जो दादा और पापा हैं इन लोगों ने क्या किया, जो मुगलों का जो प्रतिष्ठा था, है ना, जो एक बादशाह का जो प्रतिष्ठा था, एक मुगलों का जो प्रतिष्ठा था, उसको इन लोगों ने क्या किया, नीचे कर दिया। किस तरीके से नीचे किया, वो लोग ज्यादा सहिष्णु हो गए थे, तो वापस से वो उस प्रतिष्ठा को पाने के लिए क्या करता है, तलवार के नोक पर अपने शासन को स्थापित करता है। तो इसमें हम मुख्य रूप से देखेंगे कि उसने अपना साम्राज्य को फोकस इस पे करना है ना, हम क्या इस पे फोकस करना उसको देखेंगे।
अपने साम्राज्य को स्थापित कैसे किया, फिर आप लोग ये दोनों तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, वो जब इसमें पढ़े तो आपको मुगल की कला और संस्कृति और प्रशासन में तो पूरे चीज को ध्यान रखना है, फिर जब इसमें आता है तो सब में आपको एक दो पॉइंट मिलेगा, ठीक है, इन सब और भी शासक है उसमें आपको एक दो पॉइंट मिलेगा। मराठा और सिंध की बात करें तो मराठा से मराठा के युद्ध फेमस रहेंगे कुछ कुछ एक दो है, और सिखों की बात करें तो सिखों में आपको किस पे फोकस करना है, सिखों के जो गुरु हैं है ना, सिखों के जो प्रमुख गुरु हैं कि जिन्होंने क्या काम किया, ठीक, उन पर आपको फोकस करना है। तो इस तरीके से हम अपनी पढ़ाई को करेंगे, ओके। चलिए, तो उम्मीद करते हुए ये आपको हमारा जो परिचय वाला सेक्शन है वो आपको पसंद आया होगा, मध्यकालीन भारत का परिचय, इसी के जो ये सेक्शन है इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, अपनी पढ़ाई को करेंगे, ठीक है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम अपनी पढ़ाई को शुरू करेंगे, ओके। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं, अगला जो वीडियो होगा हम प्रारंभिक पुस्तक आक्रमण से शुरू करेंगे। थैंक यू। एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन हिस्ट्री की क्लास में आप सभी का। तो लास्ट वीडियो में जैसा कि हमने मध्यकालीन भारत के चैप्टर्स को देखा था कि क्या हमको पढ़ना है, कैसे हमको पढ़ना है, किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है, उसको देखा था। आज से हम इस वीडियो से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि हमने उस समय देखा था हम किससे पढ़ेंगे, प्रथम मुस्लिम आक्रमण से पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम उसकी थोड़ी पृष्ठभूमि को देखते हैं, तो उस पर भी हम पहले बात करेंगे, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को भारत का मैप दिख रहा होगा, ये परफेक्ट नहीं है लेकिन आप लोगों को समझ में आने के लिए काफी है, ठीक है। तो हम जब देखते हैं भारत को तो अभी जो रेड पेन से बना हुआ है ये वर्तमान भारत का जो क्षेत्रफल या वर्तमान भारत का जो सीमा है उसको बताता है, लेकिन हम कालांतर की बात करते हैं, पिछले समय या प्राचीन समय की बात करते हैं तो इस तरफ अरब और जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र था वो भी क्या था, भारत का ही भाग हुआ करता था, और उसके बाद इस तरफ अरब का क्षेत्र आया करता था। तो प्राचीन काल की हम बात करते हैं तो हम देखेंगे कि कालांतर में लगभग 600 ईस्वी के आसपास, कालांतर में 600 ईस्वी के आसपास जो अरब है वहां पर क्या होता है, मुस्लिम धर्म का प्रारंभ होता है, ठीक है। हालांकि वर्तमान समय तो वह छोटे क्षेत्र में होता है लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है, उसकी अनुयायी बढ़ती जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि ये जो संपूर्ण अरब क्षेत्र है वो क्या बन जाता है, मुस्लिम राज्य बन जाता है। इसके बाद में उसका प्रचार शुरू होता है, उसके प्रचार में आप देखेंगे कि ना सिर्फ ये अरब के क्षेत्र में बल्कि आगे जाकर जो अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्र, अरब के नीचे अफ्रीकन आपका महाद्वीप बना, तो उस जो क्षेत्र है वहां पर भी इसका प्रचार जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से इसका प्रचार बढ़ता जाता है, और जब स्थिति ये होती है कि तुर्क वाला जो क्षेत्र आपका अरब का जो क्षेत्र है अफ्रीकन क्षेत्र है, ठीक है, उसके बाद से जब उस तरफ में इनका मुस्लिम धर्म जो है उसका पूरी तरीके से प्रचार हो गया, तब जाकर ये जो प्रचार है वो अरब के पूर्व की तरफ में बढ़ता है, और जब अरब के पूर्व की तरफ में बढ़ता है तो हम देखेंगे कि जो अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में जो तुर्की है ना, तुर्क जिसको बोलते हैं तुर्किस्तान होता है, तुर्की जो है उस क्षेत्र में सबसे पहले क्या होता है, इनका आक्रमण होता है। देखिए जब अरब में क्या होता है, इसका प्रचार प्रसार बढ़ता है, ठीक है, तो अब वहां पर नीति आती है कि इसको फैलाना है, और हम इसको इसका प्रचार कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर हम अपने साम्राज्य का विस्तार करें, है ना भाई, अगर हम अपने साम्राज्य का विस्तार करें तो हम इसको और अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तो प्रारंभिक जो मुस्लिम अरब शासक थे उनका जो विद्रोह है ना, उनका जो संघर्ष है वो तुर्की के शासकों से होता है। तो तुर्की जो पहले प्रारंभिक दौर में जो तुर्क शासक थे वो लोग क्या थे, वो लोग मुस्लिम नहीं थे, लेकिन जब युद्ध होता है और युद्ध के बाद में प्रचार होता है, अरब लोग हैं वो लोग जीतते जाते हैं, ऐसे करते करते एक समय ऐसा आता है कि जो तुर्क है वो भी क्या हो जाता है, तुर्क शासक जो है, तुर्क
जो है वो भी इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेते हैं। और अब तुर्क के जो लोग हैं वो भी अरब का जो एक मोटो लेके चल रहे थे, एक जो मकसद लेके चल रहे थे कि इस्लाम धर्म का प्रचार करना है, साम्राज्य का विस्तार करना है, तुर्की लोग भी उसमें क्या होते हैं, शामिल हो जाते हैं। यही कारण है कि जो अरब है, भारत पर अरब आक्रमण हुआ, उन्होंने भी मुस्लिम इस्लाम धर्म का प्रचार किया। बाद में तुर्क आक्रमण होता है, उन्होंने भी वो भी क्या करते हैं, इस्लाम धर्म का प्रचार करते हैं। इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि देखिए, हो सकता है कि मैंने ये जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो इतिहास के दृष्टिकोण से है, ठीक है? तो इससे किसी की भी धार्मिक भावनाएं जो है वो आहत नहीं होनी चाहिए। तो आप इस बात को एज अ डिस्क्लेमर ले लो। तो किसी की, मेरा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही किसी धर्म के विषय में कुछ कहना है। इट्स जस्ट दैट कि क्योंकि हमको ये पढ़ना है और हमको बैकग्राउंड समझना जरूरी है, इसलिए मैं इस तरीके से आपको समझा रही हूँ। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगती है तो मेरा उद्देश्य वो नहीं है। चलिए, एक छोटा सा डिस्क्लेमर था, किसी को भी खराब नहीं लगना चाहिए। ओके, चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, वापस से आगे हैं। तो आप देखोगे कि पहले अरब करते हैं, फिर जब तुर्की शासक आते हैं तो उन्होंने भी जो इस्लाम धर्म है उसका प्रचार, उन नीतियों को, उन बातों को लेते हुए आते हैं। वही तुर्की जो है, जब वो आपका अरब के पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो बढ़ते बढ़ते वो क्या करते हैं, सबसे पहले जो भारत का सिंध क्षेत्र है ना, भारत के इस तरफ के जो सिंध क्षेत्र है, यहाँ पे उनका प्रथम आक्रमण होता है। अगर प्रथम आक्रमण वाले के बारे में बात करें तो वो हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है? अरबों का प्रथम आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। तो पहले हम स्टोरी सुनेंगे, फिर मोहम्मद बिन तुगलक और गजनवी एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो क्या करते हैं, ये लोग यहाँ पर आक्रमण करते हैं और यहाँ पर उनको प्रथम जीत मिलती है। किसको, अरब के जो आक्रमणकारी रहते हैं उनको प्रथम जीत मिलती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा अरबों का भारत पर प्रथम विजय कहाँ पर हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर हुआ था, सिंध में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि अरबों के आक्रमण के समय सिंध प्रांत का राजा कौन था, तो कौन था, दाहिर था। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज है जिसको हमको ध्यान रखना है, जो एग्जाम में पूछता है, ठीक है? एग्जाम में पूछता है। तो चलिए अब हम इसको लाइन से आगे पढ़ते हैं। तो जब हम इस पूरे बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, मुस्लिमों का अरब का आक्रमण हुआ और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखेंगे, गजनवी ने कैसे आक्रमण किया, सिंध प्रांत का राजा उस समय कौन था, तो इन सारी चीजों को जानने का जो स्रोत है, ठीक है, जो स्रोत है जिससे हमको ये मालूम पड़ता है, वो मिलता है हमको चचनामा। चचनामा नामक एक ग्रंथ है जिसमें ये सारी बातें कि किस तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसने क्या किया था, सॉरी यहाँ पे गलती से ये लिखा गया है, ये कासिम है, ठीक है, ये यहाँ पर कासिम है, सॉरी। तो देखते हैं कि जो मोहम्मद बिन कासिम है वो किस तरीके से क्या करता है, किस तरीके से यहाँ से विजय प्राप्त करते हुए सिंध में आता है, सिंध का राजा उस समय दाहिर होता है, इन सब के बारे में। तो इस पूरे विजय के बारे में हमको किसमें मालूम पड़ता है, चचनामा नामक एक ग्रंथ में मालूम पड़ता है, जिसमें जिसका जो चैप्टर है वो सिंध विजय के नाम से हमको ये चीजें मालूम पड़ती है। तो हम देखेंगे सबसे पहले आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम जो है उसने 712 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया, सिंध प्रांत में। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में आक्रमण किया, लेकिन जब आप एक या दो या तीन इतिहास की किताबें देखोगे तो आपको कई बार जगह मिलेगा 711। तो अगर हम इन दोनों को देखेंगे, कई बार 712 लिखा है, कई बार 711 लिखा है, तो हम पाएंगे भारत के बारे में सुनकर या भारत में साम्राज्य का विस्तार करने के लिए 711 ईस्वी में अब्दुल्ला और 711 के कुछ समय बाद गुदैल नामक जो है उन दोनों को ही भारत में विजय प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, भेजा जाता है, लेकिन वो दोनों ही असफल रहते हैं, ठीक
है ये दोनों ही क्या होते हैं, असफल होते हैं, मार्ग पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते और वापस चले जाते हैं। इनके बाद 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को भेजा जाता है। यही कारण है कि हमको क्या मिलता है, कहीं पर 712 मिलता है, कहीं पर 711 मिलता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो ये क्या है, आता है और इसे प्रथम है ना, प्रथम सफल अरब आक्रमण कहा जा सकता है। प्रथम सफल अरब आक्रमण कहा जा सकता है। मोहम्मद बिन कासिम जब भारत आता है तो उनका उद्देश्य सिर्फ तीन होता है। पहला होता है साम्राज्य विस्तार, अपने साम्राज्य को विस्तार किया जाए। दूसरा होता है लूट, इस तरीके से जहां भी हो रहा है धन की प्राप्ति की जाए और अपने साम्राज्य को विस्तार किया जाए। और तीसरा है इस्लाम का प्रचार। तो ये तीन प्रमुख कारणों से ये क्या करता है, हमला भारत पर करता है। ठीक है, फिर हम जैसे कि पढ़ा कि ये आता है तो कहां पर हमला करता है, तो ये जो हमला करता है वो क्या करता है, सिंध, भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है ना, उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है, सिंध वाला प्रांत जो है, वहां पर ये क्या करता है, सबसे पहले आक्रमण करता है जहां पर राजा दाहिर होता है। एक क्वेश्चन एक बार अमेरिका से एसएससी या रेलवे में संबंधित पूछा गया था कि दाहिर के पिता का क्या नाम है, दाहिर किसका पुत्र था, तो चच नामक एक राजा हुआ करते थे, उन्हीं का बेटा था दाहिर। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मोहम्मद बिन कासिम के समय सिंध का राजा कौन था, तो दाहिर राजा था। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। फिर हम आगे देखते हैं, इसी बीच में हम देखते हैं कि ये पूरा जो सिंध प्रांत है उसमें वो बहुत क्या बोलते हैं, नरसंहार करता है, लूट मार करता है, तोड़ फोड़ करता है। कौन, मोहम्मद बिन कासिम तोड़ फोड़ करता है। इसी में किसी क्षेत्र में एक आता है देवल नामक एक क्षेत्र आता है। ठीक है, देवल नामक एक क्षेत्र आता है जहां पर ये जो है वो भारी नरसंहार करता है। ऐसा नरसंहार करता है कि 17 वर्ष से कम के, 17 वर्ष की उम्र से बड़े जितने पुरुष है उन सबको क्या कर देता है, ये मार देता है। तो भारी नरसंहार, भारी तोड़फोड़, भारी लूटपाट ये लोग करते हैं। फिर हम आगे आते हैं कि जब ये लोग आते हैं तो ये लोग क्या चलाते हैं, दिरहम नामक सिक्का चलाते हैं। ठीक है, क्या चलाते हैं, दिरहम नामक सिक्के को चलाते हैं। याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम जब आए, मतलब मुस्लिम आक्रमण जब हुआ आया तो उन लोगों ने कौन सा सिक्का चलाया, क्या कहते थे उसको, दिरहम सिक्का चलाया। फिर इन लोगों ने उन क्षेत्रों पर जजिया कर लगाया। ओके, जजिया कर, जजिया कर मेंस और प्रीलिम्स दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो आपसे पूछ सकता है कि सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगवाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने या अरब आक्रमणकारियों ने या मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो गया। जजिया, एक और प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है कि जजिया कर किससे, जजिया कर कौन सा कर है। आप मिलेगा ऑप्शन ए कृषि कर, ऑप्शन बी भूमि कर, ऑप्शन सी व्यापार कर, ऑप्शन डी धार्मिक कर। तो जजिया कर जो है वो क्या है, धार्मिक कर है। ठीक है, धार्मिक कर कैसा कर है कि जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, मतलब जो जजिया कर है वो उन लोगों पर लगाया जाता था जो लोग क्या नहीं करते थे, इस्लाम धर्म नहीं मानते थे, है ना। जो भी सब, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, कोई से भी अब दूसरे जाति या दूसरे धर्म को मानने वाले लोग जो इस्लाम को नहीं मानते थे उन पर जजिया कर लगाया जाता था। लेकिन हम बाद में आकर देखेंगे कि जब अरब का समय, हम देखे ना अरब लोगों का, सॉरी मुगलों का जो समय आता है तो मुगल बादशाह जो रहते हैं वो जजिया कर को समाप्त कर देते हैं। उसके बाद में विरोध भी होता है और जो आपका वो रहता है औरंगजेब जो है, औरंगजेब फिर से जजिया कर लगाता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछता है कि किसके काम, किसने समाप्त किया था और किसने जजिया कर फिर से लगाया था। चले आप कल तो हम जब मुगल पढ़ेंगे तब उसको पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है कि जजिया कर जजिया कर किसने समाप्त करवाया था, किस शासक ने जजिया कर समाप्त करवाया था, ये आपको ढूंढ के मुझे मैसेज करना है। अच्छा है कुछ लोग आंसर भेज रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी भी उनकी संख्या 3 और 4 में है, जबकि ग्रुप में 20-20 लोग, 25-25 लोग हैं। तो
आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो अप्रिशिएट नहीं करते हो तो मत करो, लेकिन कम से कम अपने लिए तो उसको देखो, तभी उसका फायदा, वरना कोई मतलब नहीं बैठेगा। समझ आ रहा है मेरी बात? तो चलिए आप लोगों को ढूंढ के आना है कि जजिया का किस शब्द में समाप्त किया था। तो समझिए कि जजिया का क्या होता है। अब मेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो दो नंबर वाले जो क्वेश्चन है उसमें आपको पूछ सकता है कि जजिया कर के बारे में आपको बताना है, जजिया कर को विवरण कीजिए, है ना। तो आप उसमें क्या लिख सकते हो कि जजिया कर जो है, जजिया कर जो है वो एक 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 धार्मिक कर है जिन्हें गैर मुसलमानों से लिया जाता था। प्रारंभिक रूप में इस कर को इस कर की शुरुआत जो है वो अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने की थी। इसे मुगल बादशाह डैश ने समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने इसे पूरा प्रारंभ कर दिया। तो तीन शब्द का शानदार उत्तर आपका बनेगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। और पूरा का पूरा डेढ़ नंबर, दो नंबर पूरा नहीं देते हुए, कभी-कभी दे भी देते हैं, पूरा का पूरा जो मैक्सिमम नंबर है आप उसको टच कर सकते हो। समझ में आई मेरी बात? तो जजिया कर जो है वो इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स की दृष्टिकोण से भी और मेंस की दृष्टिकोण से भी। चलिए आगे हम देखते हैं फिर परिणाम। अब परिणाम को जब हम देखते हैं तो क्या परिणाम हुआ? परिणाम से मेरा मतलब है कि जब भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का शासन हुआ, जब इनका समय आया शासन हुआ, तो ये सारी चीजें किस प्रकार से इफेक्ट करती है, किसको इफेक्ट करती है? सॉरी, जो उस समय का साम्राज्य है, उस समय का जो देश था, उसको भारत जो था, उसको किस तरीके से इफेक्ट की, उसके क्या परिणाम है? क्योंकि कई बार अक्सर एग्जाम जो है वो थोड़ा सा टफ करते जा रहे हैं ना। सिर्फ अगर आप प्रीलिम्स की भी बात करते हो तो एग्जाम को वो क्या कर रहा है, टफ बना रहा है। टफ बनाने के लिए वो क्या करता है, आपसे जो बेसिक फैक्ट है वो तो पूछता ही है, लेकिन साथ में आपको कूट में देता है। देखिएगा निम्न में से कौन सी चीजें सही है ना, किसके बारे में, अरब आक्रमणकारियों में से निम्न में से कौन सी चीजें सही है। ऑप्शन ए, जजिया कर के बारे में पूछेगा। फिर देखा बी को देखेगा कि जो तुर्क थे उन्होंने इस्लाम, उनसे उनके आक्रमण से इस्लाम का प्रवेश किया। फिर देखा सी कि जो अरब है उन्होंने खजूर की खेती आई। तो इस तरीके से मतलब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल एग्जाम कूट में देता है, तो हमको उसको सब नहीं पता होगा परिणाम तो हम नहीं बोल सकते। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो चलिए हम परिणाम को देखते हैं कि जब भारत पर अरब आक्रमण होता है तो वो कौन कौन से परिणाम को लाता है। तो पहला चीज हम देखते हैं कि अरब आक्रमणकारियों द्वारा भी भारत में इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ। क्वेश्चन पूछेगा कि किसके द्वारा भारत में इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ, तो अरब आक्रमणकारियों द्वारा ही भारत में इस्लाम का प्रवेश किया। दूसरी चीज, हम भारत को हिंदुस्तान कहते हैं, ठीक है, तो हिंदुस्तान कहते हैं, बहुत से लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, तो भारत को हिंदुस्तान कहते हैं। तो जो अरब थे उन्होंने ही सर्वप्रथम भारत के लिए या इस क्षेत्र के जो लोग हैं उनको हिंद या हिंदू शब्द का यूज किया था। अब हिंद या हिंदू क्यों कहने लगे, देखिए अगर मैं हरियाणवी की बात करूं, है ना, जो हरियाणा में लोग रहते उनका जो उच्चारण रहता है वो अलग होता है। अगर मैं महाराष्ट्र साइड के लोगों की बात करूं तो उनका उच्चारण अलग होता है। अगर मैं गुजराती लोगों की बात करूं तो उन लोगों का उच्चारण या उनका जो बोलने का तरीका होता है वो अलग होता है। वैसे अगर मैं बंगाल साइड की बात करूं तो वहां पर भी अलग होता है। तो हमको पता चलता है कि प्रांत और वहां की प्रमुख भाषाओं के आधार पर जो उच्चारण है या जो बोलने का तरीका है उसमें क्या पड़ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। मेरे कजन हैं जो भोपाल में रहते हैं, तो जब हम लोग पत्थर बोलने के लिए बात आता है, ठीक है, तो मैं क्योंकि हम यहाँ से हैं, मैं बोलती हूँ पत्थर, और मेरे कजन जो पत्थर बोलते हैं, ठीक है, तो अगर वो लिखेंगे पत्थर ही, लेकिन वो क्या शब्द यूज करते हैं, पत्थर। तो हंसी हम लोग आकर उनको चढ़ाते हुए, लेकिन बात यहाँ पर ये है कि वहां पर थोड़ा सा भोपाली टच है ना, जो सूमा भोपाली हमने कैरेक्टर देखा था, तो एक भोपाली टच आता है, उसकी वजह से उनका प्रोनाउंसिएशन क्या है वो बदल जाता है। वैसे ही पत्थर को ही आपका गुजराती लोग अलग तरीके से प्रोनाउंसिएट करेंगे, बंगाली लोग अलग से करेंगे। तो लेकिन उसके अगर मैं जो मेरे कजन कहते हैं पत्थर, अगर मैं वैसा लिखूं तो अगर देखिए यहाँ पर मैं पत्थर लिखती हूँ ना, पत्थर लिखती हूँ, और जैसे मेरे कजन उसको पत्थर बोलते हैं, तो मैं लिखूं तो ठीक है पत्थर, ओके। तो आप देखोगे कि इसमें पत्थर ये दोनों है तो
स्टोन के बारे में, स्टोन के बारे में बात हो रहा है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन के आधार पर शब्द क्या है बदल जा रहा है। वही रीजन था कि जो हमारे देश में था ना, इस तरफ में जो सिंधु देश था, सिंधु नदी बहती थी, है ना, जो सिंधु नदी बहती थी, जो सिंध प्रांत था, तो उनका प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होने की वजह से वो लोग सिंधु को या सिंध को, सिंधु नदी को क्या बोलते थे, सिंध को हिंदू, सिंध जो है उसको हिंदू बोलते थे, और जो सिंधु नदी थी उसको हिंदू नदी बोलते थे। प्रोनाउंसिएशन में जो आगे जाकर बदलते बदलते क्या हो जाता है, हिंदू, हिंदुस्तान हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, भारत की जो हिंदुस्तान शब्द, भारत के लिए जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया जाता है वो किसी धर्म पर आधारित नहीं है, वो क्या है, अरब के जो लोग हैं वो लोग सिंध को हिंद और जो सिंधु नदी है उसको हिंदू नदी बोलते हैं, अपने प्रोनाउंसिएशन में चेंज की वजह से। इस वजह, यही कारण है कि बाद में भारत को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। समझ आ रहा है मेरी बात, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वप्रथम भारत को हिंदू शब्द या भारत के लिए या सिंधु के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया, हिंदी या हिंदू का, तो किसने किया था, अरबी लोग ने किया था। फिर हम देखते हैं कि खजूर ना, भारत में खजूर का उत्पादन नहीं होता था, लेकिन जो हिंद लोग थे, सॉरी जो अरब अरबी लोग थे, उन्होंने अपने साथ में जो खजूर की खेती है ना, जब वो इस तरह से प्रवेश करते हैं तो जो सिंध का क्षेत्र है आपका, राजस्थान का क्षेत्र है, ये वो है रेगिस्तान है, डेजर्ट इलाका है, तो रेगिस्तान में खजूर ज्यादा होता है, और जो अरब देश है उससे तो रेगिस्तान ज्यादा हुआ करता था, तो उन्होंने वहां से भारत में लाकर क्या रखा, खजूर भी रखा। फिर ऊंट पालन है ना, आप देखो कि जो आपका राजस्थान वाला क्षेत्र है वहां पर ऊंट का पालन काफी ज्यादा होता है, ऊंट को काफी यूज किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ जितने भी रेगिस्तानी क्षेत्र है, चाहे आप कहीं का सहारा का बात कर लीजिए, आप अफ्रीका का थार का बात कर लीजिए, सहारा का बात कर लीजिए, आप अरब का बात कर लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी रेगिस्तानी इलाके वहां पर ऊंट का प्रयोग करते हैं, तो भारत में भी जो ऊंट है वो किन्होंने लेके आए थे, अरब आक्रमणकारियों ने लेके आया था। तो इस तरीके से हम अरब आक्रमणकारियों को देखते हैं, ठीक है। अब जो हम अरब आक्रमणकारी पढ़े, ये तो भाई हमको समझ में आ गया, ओके। अब हम देखते हैं कि जो दूसरी तरफ है ना, दूसरी तरफ है, अरबों के बाद भारत पर तुर्क आक्रमणकारियों का क्या होता है, हमला होता है। किस तरीके से, जब हम अरबों की बात करते हैं तो अरबों को तो वहां का जो गवर्नर हुआ करता था, अरब का जो गवर्नर हुआ करता था उसने भेजा था, है ना, किसे भेजा था, अरब का जो गवर्नर था उसने भेजा था, लेकिन जब वो यहाँ से जीतता है, धन एक बड़ी मात्रा में धन लेके जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो वहां के और दूसरे शासक हैं वो लोग भी क्या करते हैं, भारत की तरफ आकर्षित होते हैं, और उसी आकर्षण के नाते जो तुर्क के शासक है ना, हमने बात किया है कि तुर्क में जीत विजय प्राप्त किए थे, तो जो तुर्क के शासक है कौन, आपके महमूद गजनवी, वो क्या करता है, भारत में आक्रमण करता है। तो अगर मैं तुर्की शासकों की बात करूं तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि उस समय पर तुर्क के उस स्थान पर गजनवी वंश या जिसको जामिनी वंश भी कहते हैं उसका क्या हो रहा था, वो वहां पर शासन था, और उसी का शासक महमूद गजनवी जो था उसने क्या किया था, तुर्क आक्रमणकारियों में प्रथम बार यहाँ पर आक्रमण किया था, ओके। फिर हम इसके बारे में और क्या देखते हैं, तो हम देखेंगे कि जो महमूद गजनवी है उसे बुद्ध शिखर या मूर्ति भंजक भी कहते हैं। तो बुद्ध शिखर या मूर्ति भंजक का मतलब क्या होता है, मूर्तियों को तोड़ने वाला, बुद्धों को, बुद्ध मतलब मूर्ति, बुद्धों को तोड़ने वाला है ना, बुद्ध शिखर जिसको शिकस्त देने वाला, मूर्तियों को शिकस्त देने वाला या मूर्तियों को तोड़ने वाला, तो वो किसको कहते हैं, महमूद गजनवी को। क्वेश्चन पूछता है कि बुद्ध शिखर किसे कहा जाता है, मूर्ति भंजक किसे कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए महमूद गजनवी को क्या कहते हैं, बुद्ध शिखर कहते हैं। समझ आ रही है मेरी बात, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। फिर अगर हम देखते हैं इस गजनवी के बारे में, तो हम पाएंगे कि जो महमूद गजनवी है ना भाई, उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। कितनी बार आक्रमण किया है, मैंने क्वेश्चन भी पूछा था और बच्चों ने आंसर भी दिया था, तो हम इससे जान सकते हैं कितनी बार आक्रमण किया था, 17 बार उसने आक्रमण
किया था। फिर हम देखते हैं आगे बढ़ते हैं तो लेकिन जो इसका 16 बातें करता था 17 बातें करके इसने आक्रमण किया, तो ये आक्रमण करता था फिर यहाँ से लूटपाट करके वापस चला जाता था, फिर आता था फिर आक्रमण करता था फिर लूटपाट करके वापस चला जाता था। तो ऐसे करके ये भारत पर कुल 17 बार आक्रमण करता है, लेकिन जो वो 16 आक्रमण करता है ना, 16 आक्रमण करता है तो वो गुजरात क्षेत्र में करता है। ठीक, उस समय वहां का शासन गीत प्रथम होता है। दूसरा सवाल आपके लिए ये है कि आप जल्दी से देख लो कि भीम प्रथम किस वंश का शासक है, मुझे आप लोग कमेंट भी करेंगे और अभी जब मैं बोल रही हूँ आप वीडियो देखेंगे, पलट के देखेंगे उस पूरे राजवंश को देखेंगे कौन कौन प्रमुख शासक है उसको भी देखेंगे। हमने बात की ना कि जब भी हम आगे बढ़ते हैं और कुछ भी ऐसा होता है तो पुरानी चीजें पलट के देख लो, उससे आपको चीजें याद रहेंगी। चलिए आगे बढ़े, तो मैंने कहा 16 इसमें किया था तो गुजरात में उसने आक्रमण किया, अपना 16 आक्रमण गुजरात क्षेत्र में किया। उस समय वहां का शासक जो था वो भीम प्रथम था, है ना भाई। और भीम प्रथम क्या करता है और उस समय 16 आक्रमण में क्या करता है कि वो जो उस समय पर सोमनाथ मंदिर होता है, वो शिव का मंदिर है, शिव मंदिर है सोमनाथ, गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर होता है उसको क्या कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है, क्यों, तो भाई फेमस है इस नाम से कि वो बुद्ध शिखर कहलाता है ना, मूर्ति मंदिर कहलाता है, तो वो क्या करता है पूरा सब जगह पर त्रासदी करता है और इस इतना बड़ा जो मंदिर रहता है उसको क्या कर देता है, तोड़ देता है। कौन तोड़ता है, महमूद गजनवी तोड़ता है। ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं ना सोमनाथ मंदिर को किसने तोड़ा था, तो आपको पता होना चाहिए कि महमूद गजनवी ने तोड़ा था। तो इस तरीके की चीजों को आपको ध्यान रखना है। और उस समय पर कौन था, ये पूछता है कि गुजरात पर गजनवी के आक्रमण के समय किस वंश का शासक था या कौन शासक था, तो आपको वंश तो आपने तो बताओगे लेकिन आपको और क्या है, भीम प्रथम शासक था। ठीक है, फिर हम देखते हैं ये जो है वो ना सिर्फ ये लड़ता है बल्कि और भी युद्धों को लड़ता है, जैसे उसने वेदिंद्र युद्ध को लड़ा था किसके साथ में, जयपाल है ना, मालवेश के साथ शासक जयपाल के साथ में उसने वेदिंद्र युद्ध को लड़ा था जिसमें वो जयपाल को पराजित करता है। समझ आ गई मेरी बात। चलिए फिर हम देखते हैं जो उसका 17वां और आखिरी आक्रमण था वो कहां पर था, आगरा में था। ठीक है, कहां पर था, आगरा में ये अपना 17वां और आखिरी आक्रमण करता है। फिर हम उसके बाद आते हैं कि इसके साथ में अलबरूनी आता है, कौन आता है, अलबरूनी। ठीक है, अलबरूनी क्वेश्चन पूछता है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया, तो अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ में भारत आया। समझ आ रही मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगर महमूद गजनवी के बारे में बात करें तो ये क्या था, ये एक यात्री था, है ना, जैसे कि फाहियान था और फाहियान था उसी प्रकार ये भी एक यात्री था। तो इसने भारत की यात्रा की, अलग अलग स्थानों पर गया यात्रा की और भारत के विषय में जो अपनी रचना की उसका नाम था, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, किताब उल हिंद। ठीक है, क्या नाम था उस किताब का, किताब उल हिंद की रचना की जिसमें भारत के उस समय की बहुत सारी चीजें हमको ज्ञात होती है। और किसके साथ आता, अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ आया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि ना सिर्फ इसने भारत की यात्रा की बल्कि उस समय पर भारत के जो साहित्य थे उनसे भी ये बहुत प्रभावित था। ठीक है, और ये क्या करता है कि जो उस समय के साहित्य सांख्य और महाभाष्य, आपका तीसरा क्वेश्चन आप बताओगे कि महाभाष्य किसकी रचना है, हम लोग दो दिन पहले इसके बारे में बात की है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, मैं आपको बार बार इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोग इस बात को ध्यान रखो, आपको रिवीजन होता जाए, हम छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे हैं लेकिन फैक्ट जो है वो हर दिन आपको रिवीजन होता जाए, रिवीजन होता जाए इसलिए। ओके, चलिए तो आपको ये याद रखना है, तो अलबरूनी जो था वो सांख्य और महाभाष्य इन दोनों ही ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करता है। समझ आ रही मेरी बात, है ना, सॉरी अरबी में ना, ये अरबी है, अरबी में अनुवाद करता है। कौन करता है, अलबरूनी करता है। फिर हम आते हैं जो महमूद गजनवी होता है उसके दरबार में और कौन कौन प्रमुख लोग रहते हैं, तो फिरदौसी नामक एक और विद्वान रहता है जिसने शाहनामा का क्या किया था, रचना किया था। ये पूछा है, कैसे पूछता है कि शाहनामा की रचना
किसने की है? तो फिरदौसी ने की है। फिर इसके दरबार में बेहाकी नामक एक इतिहासकार भी रहता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो तुर्क आक्रमण काल में मोहम्मद गजनवी था वो भी हमारा खत्म होता है। मोहम्मद गजनवी के बाद हम देखते हैं कि भारत में किसका आक्रमण होता है? तो महमूद सॉरी मोहम्मद गोरी का आक्रमण भारत में होता है, ठीक है। लेकिन मोहम्मद गोरी को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इस्लामिक उदय को देख लेते हैं, क्योंकि हमको यही पर ही पढ़ना था, लेकिन ताकि वो बाद में आप लोगों को समझ में आए, फिर उसके बाद हम गोरी को प्रारंभ करेंगे। ओके, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेंगे कि जब हम इस्लामिक उदय के बारे में बात करते हैं, हमने पढ़ा भाई है ना कि आपका 600 ईस्वी के आसपास जो है वो इस्लाम धर्म का उदय होता है और वो क्या करता है, आगे बढ़ता है। कहाँ से आगे बढ़ता है? आपका अरब से होता हुआ तुर्की और वहां से फिर सिंध, अफगानिस्तान, पाकिस्तान वाला क्षेत्र प्राप्त, क्योंकि पहले भारत का ही हिस्सा था, तो वाला क्षेत्र प्राप्त करके भारत में आता है। तो अगर हम इस्लाम धर्म के बारे में देखते हैं तो कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु है जो एग्जाम परस्पेक्टिव से आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। क्यों इम्पोर्टेंट? प्रीलिम्स और मेंस दोनों की दृष्टि से, इसलिए क्योंकि प्रीलिम्स में तो आपसे फैक्ट पूछ सकता है, लेकिन मेंस में आपको इसका पूरा बोल सकता है कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण का वृत्तांत कीजिए या वो पूछेगा किस तरीके से हुआ, उसको पूरा आपको बताना है। तो आप वहां पर इसके बारे में थोड़ा सा अगर लिखोगे इस्लाम धर्म के उदय के बारे में, तो वो आपको क्या होगा, आपका आंसर ज्यादा इफेक्टिव होगा। मतलब आप ज्यादा कुछ मत लिखिए, मैं बोलती हूँ आप ज्यादा कुछ मत लिखिए। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है जिसमें आपको मुस्लिम आक्रमणकारी का और कार्यों का और भारत पर विस्तार कैसे हुआ है, उस पूरे समय को लिखने बोलता है, और उस जगह पे आप अपने आंसर के साइड में, वो तो चौड़ी ऐसे आड़ी कॉपी रहती है ना, आड़ी कॉपी रहती है, तो अगर उस आड़ी कॉपी में आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना भाई, तो ये आड़ी कॉपी, तो अगर आप यहाँ पे अपना पूरा आंसर लिख रहे हो, ठीक है, आंसर लिख रहे हो और एक छोटी सी जगह में एक ऐसे ब्लॉक बना दो, है ना, ऐसा ब्लॉक या ऐसा ब्लॉक बना दो, और यहाँ पर सिर्फ इसके संस्थापक ये थे, ठीक है, उनको ज्ञान की प्राप्ति किस समय पर हुई, इनका प्रमुख ग्रंथ ये है, और इन्होंने किस चीज का, है ना, मतलब इस्लामिक धर्म का वो किया, क्या बोलते हैं, इस्लामिक धर्म की स्थापना, सिर्फ इतना यहाँ पर चार लाइन में लिख दोगे, छोटा सा इतना सा कॉलम में रखे, तो आपका आंसर जो है वो इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मेंस के लिए इम्पोर्टेंट, मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए कि प्रीलिम्स के साथ में हमको मेंस की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है, मैं संडे या सैटरडे को दो वीडियो डालूंगी, एक तो आपका क्या बोलते हैं ये हमको जो पढ़ना प्राचीन भारत का, हमको जो कला संस्कृति का पार्ट पढ़ना है, स्थापत्य कला, तो उसको देखेंगे, ठीक। उसके साथ में मैं नहीं बोलती कि इसी हफ्ते डालूंगी, शायद एक एक हफ्ते के गैप में बीच में जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आप लोगों के लिए वीडियो जरूर डालूंगी कि हमको प्रीलिम्स के साथ में मेंस की तैयारी किस तरीके से करनी है, क्योंकि हम पहले भी बात किए हैं इस बारे में कि अगर आप सिर्फ पहले फोकस करोगे, सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करोगे, तो मेंस क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा कठिन होगा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ज्यादा कठिन होगा। क्यों? क्योंकि मेंस का सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत मतलब बहुत वास्ट, और उसको आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में कवर नहीं कर सकते, तो प्लीज आप लोग इस चीज को ध्यान दो, ओके। तो अभी से अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो और अभी से अगर इसको करना शुरू करते हो, है ना, अभी से अगर इसको आप करना शुरू करते हो, देखना शुरू करते हो, मेंस के अकॉर्डिंग अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हो, तो आपको उस समय पर दिक्कत नहीं होगा, तो इस चीज को आप ध्यान रखो। तो ये दोनों के दृष्टिकोण से क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा देख लेंगे। तो जब हम इस्लाम धर्म के उदय के बारे में आते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो इस्लाम धर्म का उदय है ना, इस धर्म के जो संस्थापक है वो कौन है, हजरत मोहम्मद साहब, ठीक है, कौन है, हजरत मोहम्मद साहब जो है वो इस्लाम धर्म के संस्थापक है। अगर हम इनके जन्म को देखें तो 570 ईस्वी में मक्का नामक स्थान पर, अरब में मक्का, तो मक्का नामक स्थान में क्या होता है, इनका जन्म होता है, और 610 ईस्वी में इन्हें हीरा नामक गुफा में,
अध्याय का क्वेश्चन पूछता है, तो हीरा नामक जो वहां पर गुफा थी वहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ओके, ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद हम आगे देखते हैं, इनके परिवार को देखते हैं, तो इनका विवाह जो है वो खादिजा नामक एक महिला से होता है, और जो इनके इनकी एक बेटी होती है फातिमा, और इनका एक दामाद होता है जिसका नाम अली होता है। मैं अली जानबूझ कर लिखी हूँ क्योंकि यही पॉइंट हम इसको आगे नीचे देखेंगे। तो फातिमा बेटी और इनके दामाद होता है अली। ठीक है, अगर मैं इस्लामिक धर्म के पवित्र ग्रंथ की बात करूं तो वो कौन सा है? कुरान। फिर हम आते हैं एक इसमें कि हिजरी संवत। तो ये हिजरी संवत क्या है? तो 24 सितंबर 1622 ना सॉरी 622 622 24 सितंबर 622 ईस्वी में जो क्या बोलते हैं हजरत मोहम्मद साहब है वो क्या करते हैं, मक्का से मदीना तक की यात्रा करते हैं। ठीक है, अपने धर्म के प्रचार के लिए, उसको और बढ़ाने के लिए मक्का से मदीना तक की यात्रा करते हैं। उसी समय से हिजरी संवत कैलेंडर, संवत कैलेंडर जैसा होता है, तो हिजरी संवत उसी दिन से क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। आगे जाकर इनकी मृत्यु जो है वो 632 ईस्वी में हो जाती है। ठीक है, 632 ईस्वी में मक्का में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनकी मृत्यु के बाद में उत्तराधिकारी मतलब इनके जो विचार है, इनकी जो चीजें है उनको कौन फैलाएगा, है ना, उसका प्रचार प्रसार कौन करेगा, ये चीजें सामने आती है। तो जब ये चीजें सामने आती है तो ये पता चलता है कि इस वर्ग इसका जो उत्तराधिकारी है वो एक खलीफा नाम का एक पद होगा। इम्पोर्टेंट है याद रखना, कौन सा पद? खलीफा नाम का पद होगा। जो खलीफा पद है वो कौन होगा? इनका धार्मिक प्रमुख होगा। मतलब जो हजरत मोहम्मद साहब थे उनकी तो मृत्यु हो गई, है ना भाई, उनकी तो मृत्यु हो गई। अब हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में हम देखते हैं उनके बाद अब पर जिसको हम नॉर्मल भाषा में अगर हम बात करें तो धर्म प्रचारक या गुरु बोल लीजिए आप, है ना, आपको अलग अलग मिलते हैं। जैन धर्म में आपको तीर्थंकर मिलते हैं, है ना, तो इस तरीके से अलग अलग चीजें आपको हर धर्म में अलग नाम मिलता है। तो वैसे ही इस्लाम धर्म का जो उत्तराधिकारी है वो कौन बनेगा? पहला तो ये बताएगा कि जो भी बनेगा वो खलीफा कहलाएगा। ये क्योंकि इन्होंने स्थापना की थी इसलिए ये हजरत कहलाए। तो इनके जो विचार है, इनकी जो शिक्षाएं हैं, उनका प्रचार कौन करेगा? तो उनका प्रचार कौन करेगा? खलीफा करेगा। और जो खलीफा होगा वो उस धर्म का क्या होगा? धार्मिक प्रमुख होगा। लेकिन हम आगे जाकर देखते हैं कि तो 600 के आसपास, 632 650 के आसपास की बात है, लेकिन हम आगे जाकर देखते हैं कि ये जो धर्म है, खलीफा का जो पद है वो इतना ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है, इतना ज्यादा ताकतवर हो जाता है कि ना सिर्फ अब ये धार्मिक प्रमुख होता है बल्कि राजनैतिक प्रमुख भी होता है। जैसे कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का पद होता है, तो उसी तरीके से आप समझ सकते हो कि इस्लाम धर्म में जो खलीफा का पद है वो धार्मिक प्रमुखता के साथ साथ राजनैतिक प्रमुखता भी प्राप्त कर लेता है, और इतना ताकतवर होता है कि जो पूरा इस्लाम धर्म, पूरी दुनिया का जो इस्लाम धर्म है उसका मुखिया किसको माना जाता था? खलीफा को माना जाता था। जब हम खिलाफत आंदोलन के बारे में 1923-1924 के टाइम पर जब हम खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं तो उस समय पर हम इसको देखेंगे। बाकी बस आप ये समझ लीजिए कि पूरी दुनिया के जो मुसलमान है वो लोग इस समय से 1924 से पहले जितने पूरी दुनिया के जो मुसलमान है वो अपना प्रमुख किसको मानते थे? खलीफा को मानते थे। जैसे कि जो भी क्रिश्चियन है, रोमन कैथोलिक जो भी क्रिश्चियन है, वो लोग अपना हेड किसको मानते हैं? वेटिकन सिटी के पोप को मानते हैं, है ना, वो सबसे पवित्र व्यक्ति मानते हैं उन्हीं को। वेटिकन सिटी के जो पोप है उनको सब अपना प्रमुख मानते हैं जो रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस है। वैसे ही जो मुस्लिम थे ना, पूरी दुनिया के मुस्लिम खलीफा को अपना प्रमुख माना करते थे। तो बाद में हमने देखा कि धार्मिक प्रमुखता के साथ साथ राजनीतिक प्रमुखता भी हासिल कर लेता है, और यही खलीफा का कारण, खलीफा पद जो है वो इस्लामिक धर्म के दो भाग में बंटने का कारण बनता है। उसको थोड़ा सा देख लेंगे कि हम जानते हैं कि इस्लाम धर्म जो है वो दो संप्रदाय में बंटा हुआ है, जैसे शिया और सुन्नी, है ना, शिया और सुन्नी। जैसे कि हम इससे पहले बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी देखे थे कि महायान मीनयान में बट गया, है ना भाई, और श्वेतांबर और पीतांबर में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया। तो उसी तरीके से
जो इस्लाम धर्म है वो भी क्या हो जाता है, दो भागों में बट जाता है, शिया और सुन्नी के में। अब इसका दो भागों में बटने का कारण क्या था? तो दो भागों में बटने का कारण ढूंढने क्या था, खलीफा का पद। अब क्या होता है कि इसके जो जो ये पूरा इस्लामिक समाज होता है इसमें दो वर्ग बन जाते हैं। एक वर्ग तो बोलता है कि जो अली है ना, अली अली किसके दामाद, हजरत मोहम्मद साहब के, कि जो अली है और ये शान के रिलेटिव भी थे, दामाद भी और रिलेटिव भी थे, तो जो अली है वो क्या है, वास्तविक अधिकारी है, हजरत मोहम्मद साहब के वास्तविक उत्तराधिकारी है। तो इन्हीं को ही क्या करना चाहिए, खलीफा का पद धारण करना चाहिए, खलीफा का पद ग्रहण करना चाहिए, किसको, अली को ग्रहण करना चाहिए। लेकिन जो दूसरा वर्ग है ना, तो जो दूसरा वर्ग है जो ये बोलता था कि नहीं कोई भी कर सकता है, क्योंकि वो तो सबके लिए आया है, सबके लिए किया, तो कोई भी इसको कर सकता है। तो इसे ये दो भाग में बढ़ता है, तो जो अली को अपना मुखिया बनाना चाहते हैं, खलीफा बनाना चाहते हैं, वो पक्ष शिया कहलाने लगता है, और जो पक्ष बोलते हैं कि नहीं कोई भी बन सकता है, वो पक्ष सुन्नी कहलाने लगते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अन्य धर्मों की तरह इस्लाम धर्म भी क्या हो जाता है, शिया और सुन्नी नामक दो संप्रदायों में बंट जाता है। इसी प्रकार से चीजें आगे चलती है, आगे बढ़ती जाती है, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भारत में भी होता है, बहुत सारे धर्म जो है वो ग्रहण करते हैं इसको, बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे शासन जो है वो मुस्लिम धर्म को ग्रहण करते हैं, भारत पर सत्ता आता है। पूरा मध्य आधुनिक आगे का वाला पाठ हम पढ़ेंगे आपका मध्यकालीन भारत में। उसके बाद हम देखते हैं कि जो 1924 का समय आता है, ठीक है, 1924 का समय आता है आधुनिक भारत का काल। इस समय पर भारत में खिलाफत आंदोलन चलता है, ठीक है, जिसका खिलाफत आंदोलन चलाते हैं अली बंधू जो है, खिलाफत आंदोलन चलाते हैं, और खिलाफत आंदोलन का प्रमुख जो है वो किसको घोषित करते हैं कि गांधी जी इसके प्रमुख रहेंगे। तो ये जो आंदोलन था वो क्या होता है कि खिलाफ ये खलीफा पद के लिए ही होता है, ठीक है, और उसका जो है भारत में भी उसका असर होता है। लेकिन 1924 में जो मुस्तफा कमाल पाशा रहता है वो क्या करता है, खलीफा पद को समाप्त, तुर्की का बात है, तुर्की में इस पद का मुखिया रहता था, तो जो मुस्तफा कमाल पाशा होता है वो क्या करता है, सत्ता पर हक करता है और खलीफा का पद ही समाप्त कर देता है। और उस समय तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष राजवंश है, एक जिसका कोई धर्म नहीं है, ऐसे साम्राज्य के रूप में स्थापित करता है, कौन, मुस्तफा कमाल पाशा। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसको हमने देखा। अब हम देखेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे, गोरी के बारे में देखेंगे। चलिए, तो हम पढ़ते हैं अब मोहम्मद गोरी के बारे में। जब मोहम्मद गोरी के बारे में बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जिस तरीके से गजनवी का उद्देश्य साम्राज्य का विस्तार करना है ना, लूट करना था, साम्राज्य का विस्तार करना था, इस्लाम धर्म को प्रचार करना था, इस तरीके से था। लेकिन जो मोहम्मद गोरी होता है इसका उद्देश्य इससे अलग था, ये मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था, वो प्रसार और स्थापना में अंतर किया, प्रसार करने के लिए आप क्या करोगे, उसको कब्जे में लोगे या फिर आप उस पर टैक्स लगा दोगे, है ना, टैक्स लगा के कब्जे में लोगे। लेकिन स्थापना करना मतलब होता है वहां पर जाकर शासन करना। तो जो गोरी था उसका उद्देश्य भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना था, ठीक है। तो प्रारंभ में जब ये प्रारंभिक दौर में जब गोरी आक्रमण करता है तो अपना प्रथम आक्रमण जो है वो गुजरात पर करता है, ठीक है, भारत का जो आपका पश्चिमी क्षेत्र है गुजरात में, उस तरफ में आक्रमण करता है। लेकिन जब वो गुजरात में आक्रमण करता है उस समय पर चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय जो रहते हैं वहां के क्या होते हैं, शासक होते हैं, वो इससे युद्ध करते हैं और इस युद्ध में गोरी को परास्त कर देते हैं। समझ आ रही मेरी बात, इसको परास्त करते हैं, गोरी को परास्त कर देते हैं, ठीक है, गोरी को परास्त कर देते हैं। परास्त करने के बाद गोरी जो है वो वापस लौट जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो हार मान गया है ना, गोरी जो है वो फिर से वापस आता है, गोरी जो है वो फिर से वापस आता है, ठीक है।
फिर से वापस आता है, कब आता है? 1191 है ना, 1191 में वो आता है। उस समय पर कौन शासक होता है? चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज, जो है ना पृथ्वीराज चौहान जिनको बोलते हैं, या पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जिनको जाना जाता है, वो शासक होते हैं। तो सबसे पहले तराई में इस इनका युद्ध होता है 1191 में, तराई का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान के साथ में। लेकिन इस युद्ध में जो मोहम्मद गोरी होता है उसको कौन हरा देता है? पृथ्वीराज चौहान परास्त कर देते हैं और वो फिर से वापस लौट जाता है। कहां? गजनी से आया था तो गजनी वापस लौट जाता है। फिर लेकिन अगले साल में ना, जस्ट दूसरे साल 1192 में वो फिर से आता है ना, फिर से आता है। कहां पर आता है? पृथ्वीराज चौहान के ऊपर में हमला करने के लिए आता है, साम्राज्य के लिए जीतने के लिए आता है। लेकिन इस समय पर पृथ्वीराज चौहान जो है वो क्या हो जाते हैं? परास्त हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है इतिहास में, इस बात को लिखा है कि देखिए एक ही साल में डिफरेंस है, लेकिन और क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान है बहुत प्रतापी राजाओं में से थे, ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि संयुक्ता से उनका प्रेम होता है, विवाह होता है, और विवाह में वो इतने मतलब इतने ज्यादा खुश रहते हैं, इतने बिजी रहते हैं अपने वैवाहिक जीवन में कि वो राजपाट से पूरा मुक्ति ले लिए रहते, अपना ध्यान भी नहीं देते। कई बार उनको इस बात को चेताया जाता है कि भाई युद्ध होने वाला है, गोरी जो है वो आ रहा है, आ रहा है, लेकिन उनका ध्यान नहीं देते है ना। और उन्होंने ये भी आदेश किया रहता है कि कोई भी मुझे आके डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऐसे परिस्थिति में उनका एक सेनापति होता है, वो जाके अपने जान का, अपने प्राण का भी दांव पे लगाता है और बताता है उसको कि जो गोरी है वो बहुत समीप आ गया। तब वो उठकर युद्ध करने के लिए जाते हैं ना, तब वो युद्ध करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनकी उतनी तैयारी नहीं होती कि वो क्या कर ले, जो गोरी है उसको परास्त कर सके। इसलिए से दूसरा जो तराई का युद्ध होता है उसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। ये इसको कारण बताया गया, इतिहास में इसका उल्लेख हमको मिलता है। तो ये सीखने के लिए भी है ना, आपके और हमारे सीखने के लिए भी है कि आप कितने भी ताकतवर हो, आप कितने भी बुद्धिमान हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं 2 महीने में तैयारी कर लूंगा तो ऐसा नहीं हो सकता। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, अगर आपको एग्जाम पास करना है तो सही समय पर सही स्ट्रेटेजी के साथ ही आपको अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, वरना फिर कुछ नहीं होगा। ओके, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान जो है ना, पृथ्वीराज चौहान से होता है इस युद्ध में, दूसरा जो तराई का युद्ध होता है उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार जाता है, ठीक है। इसके बारे में स्टोरी हमने चौहान वंश में कंप्लीट कर ली है। ओके, तो हार जाता है, और हार एक तो वो हारता है, और दूसरी तरफ क्योंकि गोरी जीत जाता है वो सबसे पहले मुस्लिम साम्राज्य की प्रथम नींव डालता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा किस युद्ध के बाद में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी गई, या कब मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी गई, तो आपको पता होना चाहिए कि 1192 में तराई युद्ध के पश्चात मुस्लिम साम्राज्य की प्रथम नींव रखी गई। समझ आ रही मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नींव रखी गई, उसके बाद हम आते हैं 1194 में, 1194 में, 1194 में जो मोहम्मद गोरी है उसका युद्ध किसके साथ होता है? उसका युद्ध होता है जयचंद के साथ में, है ना, चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर का युद्ध कौन सा विरोधी राजा होता है? जयचंद होता है, और जयचंद को परास्त, इस युद्ध में भी क्या करता है वो, जयचंद को परास्त कर देता है, हरा देता है, और कन्नौज पर अधिकार कर लेता है, ठीक है, कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जो मोहम्मद गोरी है उसने ये 3 प्रमुख युद्ध लड़े हैं। अब कल हम लोग जिस बारे में बात कर रहे थे कि चारण कवियों के बारे में, क्योंकि हमको हमने हम पढ़े थे ना कल, जब चौहान वंश को पढ़ रहे थे उसमें हमने क्या देखा था कि जो पृथ्वीराज रासो है उसमें लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान जो है गोरी को मार देते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि 1192 की बात है, लेकिन इतिहास बताता है कि 1494 में जयचंद के साथ उसने चंदावर पर युद्ध लड़ा है, इसने गोरी ने, तो ये बात झूठ निकली कि नहीं निकली? निकली ना। तो इसलिए भारतीय जो चारण कवि है या दरबारी कवियों की कही हुई बातों को, कही हुई जो उनका जो भी लेख है उस पर हम ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते। चलिए तो हम ये देखेंगे कि ये 3 प्रमुख युद्ध मोहम्मद गोरी ने लड़े हैं, जिसको आपको एक एक चीज याद रखना है। मैं आपके नोट्स में ये अवेलेबल है ना, पैराग्राफिकल फॉर्म में, फॉर्म वाइज में है, लेकिन मैं जानबूझ के आपके लिए
स्थापना करते हो, तो ऐसा वाला मत नहीं था इसका कि नहीं मैं तो उस धर्म को खत्म कर दूंगा, है ना। अगर यहाँ पर हिंदू धर्म था तो इसका उद्देश्य ये कभी नहीं रहा कि मैं हिंदू धर्म को समाप्त कर दूंगा या दूसरे जो जैन धर्म है बौद्ध धर्म है उसको पूरी तरीके से खत्म करके मैं सिर्फ मुस्लिम धर्म चलाऊंगा, ऐसा इसका कोई विचार नहीं था। इसका साक्षात प्रमाण हमको इस बात से मिलता है, समझा था उसके बारे में। लेकिन जब हम इनकी बात आते हैं तो दास का मतलब क्या
मालिक के लिए क्या हुआ, डेडिकेटेड हो। जैसे कि आप समझ लीजिए कि उसका मालिक जो है वो किसी भी तरीके से कैसे भी उस पर विश्वास कर सकता है, और ऐसा नहीं कि उसको छोटा समझ के रखा जाता। उसके पास बड़े बड़े पद हुआ, सेनापति का पद होता था, लेकिन वो अपने मालिक के, अपने राजा के, अपने शासक के क्या होते थे, ईमानदार होते थे। अपना प्राण भी दे देंगे लेकिन अपने राजा को धोखा नहीं देंगे, तो वैसा वाला ब्रांड था। ओके, कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो बाद में क्या होता है, जब अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है, उसके बाद ऐबक जो है उसका दास होता है, उसको अपना पूरा साम्राज्य दे देता है, और गजनवी वापस, गजनी जो सॉरी घोरी जो है वापस गजनी लौट जाता है। ठीक है, और उसके बाद जब हम इसको खत्म करते हैं, यहाँ पर गजनी जब लौट जाता है, उसके बाद जो ऐबक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उस, वो दास वंश की स्थापना करता है। और दास वंश ये भी वंश नहीं, इसके बाद और भी वंश है, जैसे हम इससे पहले वाले वीडियो में देखे थे, अलग अलग तरीके से आते हैं, तो हम देखेंगे कि दास वंश की वो स्थापना करता है, और दास वंश की स्थापना के बाद में और भी वंश आते हैं, और इस पूरे काल को दिल्ली जिसमें केंद्र होता है, इस पूरे काल को दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। तो हम अपने आज का वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं, और हमारा जो अगला वीडियो रहेगा है ना, वो दिल्ली सल्तनत पर होगा। हम कोशिश करेंगे ये जो पूरा मध्यकालीन भारत है, इसकी जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें हैं, हम उसी को देखेंगे, और कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके इसको खत्म करें, ताकि इसके बाद हमको आधुनिक भारत शुरू करना है। तो आधुनिक भारत थोड़ा स्लो चलेंगे, क्यों? क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन, अगर मान लीजिए एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछ रहा है हिस्ट्री के, तो वैसे 17-18 का रेशियो है, तो हम 17-18-15 मान सकते हैं। तो मान लीजिए अगर एक सपोज मान लीजिए 20 क्वेश्चन इतिहास के पूछा, तो 20 में से आप मान के चलिए 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो आधुनिक भारत का पूछेगा, बाकी जो बचा उसमें से 3-4 प्राचीन भारत के, 3-4 आपका मध्यकालीन भारत से पूछेगा। तो इसलिए हम जो आपका इतिहास है आधुनिक भारत है, उसको ज्यादा समय देंगे, उसको भी थोड़ा जल्दी ही करेंगे, लेकिन उसको हम ज्यादा समय देंगे। ठीक है, तो उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिल्ली सल्तनत को शुरू करेंगे। तो इस तरीके से ये खत्म होता है। दूसरी चीज जो मेरे को आप लोगों को बतानी थी, कि जैसा कि कल शाम को मैंने आप लोगों को ग्रुप में पीडीएफ भेज दिया था, ओके, मैं आज आप लोगों को फिर से अभी जाके जो नेक्स्ट वीडियो कल का जो ऐबक सॉरी दिल्ली सल्तनत है, उसका भी जो पीडीएफ है वो मैं तीनों के ग्रुप में डाल दूंगी, आप लोग उसको देख लीजिएगा। क्या होगा कि जब आप उसको देख लोगे ना, अच्छे से उसको देख लोगे, तो देखने के साथ देख लोगे एक बार, एक रीडिंग मार लोगे उसको, तो जब वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगी तो वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आपके जो डाउट्स होंगे वो आप पहले भी पूछ सकते हो, बाद में भी पूछ सकते हो। तो इस तरीके से हम रोज अपनी पढ़ाई को करेंगे।